कि अगर कोई सोचे कि भाई मैं तो मुसलमान हूँ नहीं इसलिए हमारे ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा जो हो रहा मुसलमानों के ऊपर, ये इतनी गलत समझ है। अब आप बताइए जो आम हिंदू है, क्या इस सरकार की पॉलिसीज़ ने हिंदू होने के नाते उनके लिए महंगाई कम कर लिया, या हिंदू होने के नाते एक विधवा पेंशन को बढ़ाया, या हिंदू होने के नाते आंगनवाड़ी वर्करों को एक पैसा भी बढ़ाया? उस समय इमरजेंसी के दौरान भी मुख्य जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया। उस समय और इस समय जो क्लास का एक है, उस समय हमले मजदूरों के ऊपर थे जी, ट्रेड यूनियन राइट्स के ऊपर थे, हड़ताल के अधिकार के ऊपर, बिल्कुल। और आज भी दूसरे तरीके से ये है। तो एक तो एक क्लास कैरेक्टर, किसकी क्लास की उस समय बेनिफिट हुई, आज किस क्लास की बेनिफिट हो रही है, एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से दुश्मन की नज़र जैसे होता है कि ये यूनिटी हमारे लिए बाधा है जी। इस यूनिटी को कैसे तोड़ा जाए, बिल्कुल। अगर यही किसी सरकार का मंशा बनता है तो बगैर इमरजेंसी की इमरजेंसी आप समझ ही सकते हैं। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। इमरजेंसी की एक और वर्षगांठ आने की वजह से फिर से वही चर्चा, क्या इस समय की इमरजेंसी ज़्यादा ख़राब है, क्या उस समय की इमरजेंसी से ज़्यादा ख़राब है, इसी बात पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वृंदा कारत, CPIM की पॉलिट ब्यूरो मेंबर, वरिष्ठ नेता और राज्यसभा की पूर्व मेंबर। हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि ये तुलना क्यों करी जाती है और आखिर इसका जनता पे असर क्या पड़ा है। वृंदा कारत जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ क्लिक में। थैंक यू। सबसे पहले हम ये चर्चा शुरू करते हैं इस बात से कि पिछली इमरजेंसी और इस समय की तुलना क्यों करते हैं हम, ये बार बार सुनने को आता है, ऐसा क्या ये वाजिब मानती हैं आप? ये वाजिब उस मायने में है कि ये अघोषित इमरजेंसी, अगर हम कहें कि जहाँ हमारे जनवादी अधिकारों के ऊपर अलग प्रकार के हमले हैं और मुख्यतः सिविल लिबर्टीज़ और जनवादी अधिकारों के ऊपर जो आज भी हमले हो रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है लोग उसकी तुलना करते हैं। लेकिन मेरी समझ में तुलना हाँ एक हिसाब से आप कर ही सकते हैं जहाँ डेमोक्रेसी या सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर इस प्रकार के हमले हैं जी। लेकिन आज जो हालात है उसके जो पहलू है वो ये है कि धर्म का इस्तेमाल करके जो सांप्रदायिक नफरत पैदा किया जा रहा है, एक विशेष कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है और पूरी दुनिया घूमकर लास्ट में वही टारगेट है जी, बिल्कुल। उसमें बहुत अंतर है क्योंकि जनवादी अधिकारों पर हमले उस समय भी हुए आज भी हैं, नागरिक अधिकारों पर उस समय भी हुए आज भी हैं। उस समय खुलकर हुए, कहकर किया जी, इस समय झूठी राष्ट्रवाद की नकाब को लगाकर किया जा रहा है। लेकिन आज पूरे देश की ढांचा पर जो संवैधानिक ढांचा है जी, उसमें ज़बरदस्त हमला है। क्या ये एक और अंतर मानेंगे आप कि उस समय सरकार के लोग या सरकार के ऊपरी स्थल पे उनके करीबी लोग इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, आज की सरकार ने एक मॉब को तैयार किया है, उस मॉब को आप किस रूप से देखती हैं? क्योंकि इमरजेंसी से पहले प्रोटेस्ट होते थे, वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स सब सड़कों पे थे, और आज एक भीड़ है जिससे काफ़ी लोग डरते होंगे, आम जनता डरती होगी उस भीड़ से, क्या ये भी एक इमरजेंसी का एक स्वरूप है? ये तो एक सही विचार है और एक प्रकार का नज़र भी ये सही है।
उसमें आप आज के हालात के दो पहलू अगर हम देखें जी, उस समय इमरजेंसी के दौरान भी मुख्य जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया। मुझे याद है एक बयान जेआरडी टाटा के, उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मजदूर में कोई अनुशासन नहीं है, मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, मजदूर सड़कों पर हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं अपने दफ्तर से निकलकर सड़क पर भी नहीं जा सकता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने ये बयान दिया उस समय। और आज अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट के बयान देखते हैं आम तौर पर उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे देश के संविधान के ऊपर किस प्रकार हमले हो रहे हैं। वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को देख रहे हैं और प्रॉफिट मार्जिन मोदी जी ने और उनकी सरकार ने मजदूरों के कानूनों को समाप्त करके अघोषित इमरजेंसी के हमले या नज़र, तो ये जो एक क्लास कैरेक्टर था इमरजेंसी के पीछे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बचाने के लिए उसका स्वागत किया जी, आज भी दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शंस को ठंडे बक्से में डाल दिया है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शंस नहीं है हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट में आज आम तौर पे। उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे एक कॉन्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शंस को? कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शंस का मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों को, आप कहीं भी हैं जी, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आपके लिए गवर्नेंस का या समाज की भला के लिए जो एक रास्ता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में जा रहा है तो आपका कॉन्शंस क्या बोलता है? बिल्कुल। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शंस तो ठंडे बक्से में रखे गए हैं हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे हिटलर के ज़माने में एक समय था। तो इसी तरह से एक उस समय और इस समय जो क्लास का एक है, उस समय हमले मजदूरों के ऊपर थे जी, ट्रेड यूनियन राइट्स के ऊपर थे, हड़ताल के अधिकार के ऊपर, बिल्कुल। और आज भी दूसरे तरीके से ये है। तो एक तो एक क्लास कैरेक्टर, किसकी क्लास की उस समय बेनिफिट हुई, आज किस क्लास की बेनिफिट हो रही है, ये दोनों बातें मुझे लगता है अलग मेथड्स हो सकते हैं लेकिन उसका परिणाम है। दूसरी अगर हम आपकी बात पर आते हैं जो आपने मॉब लिंचिंग की बात जी की, और मैं समझती हूँ ये बहुत सही है ये आकलन इस रूप में कि एक तो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन पर डायरेक्ट हमला करती है और उसके साथ साथ राजनीतिक रूप पर ऐसे शक्तियों को अनलीश करती है, प्रोत्साहित करते हैं जो उस पॉलिटिक्स को सड़कों पर संविधान के हमले के रूप में अमल कर रही है। आज तक कोई एंटी लिंचिंग लॉ नहीं है हिंदुस्तान में, क्यों जी? इस पर डिस्कशन तो हुआ था कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि आप गाइडलाइंस बनाएं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह के डिस्कशन हुए लेकिन कानून नहीं आया। कानून तो दूर की बात है, जो कानून है इस समय वो बेंड किया जा रहा है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, राजनीतिक प्रोटेक्शन के लिए। तो यस, इट्स अ फैक्ट, इमरजेंसी में वो कोई मुद्दा नहीं था जी कि मतलब राजनीतिक शक्तियों या सामाजिक शक्तियों को इकट्ठा करके आप किसी एक को टारगेट करके आप करें जी। वो इमरजेंसी का कोई भी पहलू उस रूप में वो नहीं था जो आज हम देख, इसलिए हम कहते हैं तुलना कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि आज जो हो रहा है वो हिंदुस्तान के लिए इसलिए बहुत ही खतरनाक है क्योंकि आप उन शक्तियों को ऑर्गेनाइज करके अनलीश कर रहे हैं जो देश के नागरिक
के बीच में विभाजन हो और देश की नागरिकों की एक हिस्सा अपने देश की नागरिकों के ऊपर हमला करने के लिए आप लाइसेंस दे रहे हैं। मैं ये समझती हूँ, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज आवर यूनिटी, राइट? ये ट्रूइज्म है, क्लीशे है जी। हमारे देश की सबसे मजबूत हथियार हमारी यूनिटी है, लेकिन आज अगर सरकार के लिए यूनिटी उनके सबसे बड़ी कमजोरी होती है, या यूनिटी को एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से दुश्मन की नज़र जैसे होता है कि ये यूनिटी हमारे लिए बाधा है जी। इस यूनिटी को कैसे तोड़ा जाए? बिल्कुल, अगर यही किसी सरकार का मंशा बनता है तो बगैर इमरजेंसी की इमरजेंसी आप समझ ही सकते हैं। अपोजिशन यूनिटी की भी चर्चा चल रही है आजकल, आज ही के दिन पटना में बहुत बड़ी मीटिंग है। इमरजेंसी के समय भी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो गई थी, तो ये भी एक पैरेलल आप मानेंगी क्या? इसका निष्कर्ष कुछ वैसा ही निकालने की उम्मीद है जैसा तब निकला इंदिरा गांधी इलेक्शन हारी? मैं समझती हूँ अगर अपोजिशन यूनिटी की बैठक में अगर यही तय हो कि सबका मंशा ये है कि हमें देश को बचाना है, संवैधानिक प्रावधानों को बचाकर, अगर इतने ही एक समझ बन जाती है और अगर इतनी ही समझ बन जाती है कि हम आइडेंटिफाई करें स्पष्ट शब्दों में कि आज देश की यूनिटी के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है, अगर ये दोनों बातें आज एक यूनाइटेड समझ बन जाए तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा कदम होगा। क्योंकि बीजेपी आरएसएस सत्ता को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बदलने की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के चरित्र को बदलने की संकीर्ण आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करके डाइवर्सिटी हमारे देश की उस पर बुलडोज करने की, देखिए ये वोट पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा एक खतरा है। मतलब इट कांट ओनली बी रिजॉल्व्ड थ्रू अ वन टू वन फाइट अगेंस्ट बीजेपी। व्हाई नॉट? बिकॉज व्हाट इज The important thing is our alternative vision for this. अगर सब secularism के प्रति जी, democracy के प्रति, democratic rights के प्रति, और सबसे बड़ी बात है social और economic justice के प्रति, ये जो corporate का लूट हो रहा है, मतलब एक विशेष business house के नाम अगर कोई ले पार्लियामेंट के अंदर तो सबसे बड़ा एंटी नेशनल एक्ट हो गया है। ये जो एक माहौल बन रहा है और बन गया है मोदी सरकार की सौजन्य से, अगर ऑपोजिशन पार्टीज इसके खिलाफ फेडरलिज्म के ऊपर जो हमला है उसके खिलाफ अगर एक प्लेटफॉर्म मुद्दे आधारित वो अगर बन जाए एक अल्टरनेटिव विजन के रूप में, तब ऑटोमेटिकली चाहे हम वन टू वन फाइट कर पाए या न कर पाए, जनता करेगी। बिल्कुल, जनता करेगी वन टू वन फाइट, और जनता जब करेगी वन टू वन फाइट वो तब कर सकती है जब एक कॉन्फिडेंस हो कि भाई हमारा मंशा एक है। तो ये तो मतलब आपकी काफी उम्मीदें हैं इसमें कि ऑपोजिशन पार्टीज मिलेंगी, जुड़ेंगी। मैं समझती हूँ कि वो बैठक हो रही है, ये एक अच्छी बात है जी। इसमें जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस तो है ही, ये तो नहीं है कि कोई डिफरेंसेस नहीं है। बिल्कुल, हमारे बुनियादी रूप पर जी, हमारी जो
न्यू लिबरल पॉलिसीज के खिलाफ जो लेफ्ट की एक विकल्प है जी, उसको निश्चित रूप पर हम आगे लेकर चलेंगे जी। लेकिन नेचुरली कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिस पर एक यूनाइटेड अंडरस्टैंडिंग को पहुंचने तक ये एक अच्छा कदम है। मैं यहाँ तक इसको मानती हूँ। बाकी अगर मंशा सही है और अगर सबकी नियत भी सही है जी, और अगर वाकई में ये बीजेपी आरएसएस की जो टॉक्सिक पॉलिटिक्स है, जहरीला पॉलिटिक्स है, उसके खिलाफ अगर हम एक हो सकते हैं। अब आप बताइए, मणिपुर बिल्कुल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जी। बिल्कुल, जो चुप्पी साधी हुई है प्रधानमंत्री जी ने, जबकि मणिपुर के लोग खुद कह रहे हैं कि आप कुछ कहिए तो। उनका साइलेंस उनकी गिल्ट को रेखांकित करता है, उनकी दोष को, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने बहुत संकीर्ण आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को उन्होंने इस्तेमाल किया, बढ़ावा दिया, इस्तेमाल किया जी। तो एक तरफ आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को आप तोड़फोड़ के रूप में इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी तरफ जो हकीकत आइडेंटिटी है जी, डाइवर्सिटी के आधार पर जो आइडेंटिटी है बिल्कुल, उसके कॉन्सिक्वेंशियल अधिकारों के ऊपर आप बुलडोजर चलाएंगे, तो मैनिपुलेट आइडेंटिटी एंड बुलडोज राइट्स, ये उनका मॉडल रहा है मणिपुर में, और इसलिए आज मणिपुर जल रहा है। वृंदा जी, अक्सर ये कहा जाता है कि आज की जो स्थिति है उसमें सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को, खासतौर से मुसलमान जो हैं भारतीय, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है इसका। ये सच हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है, इसकी चर्चा आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए करिए, क्योंकि ये हाँ ये बहुत ज़रूरी है। और जी, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि अगर कोई सोचे कि भाई मैं तो मुसलमान हूँ नहीं, इसलिए हमारे ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा जो हो रहा मुसलमानों के ऊपर, ये इतनी गलत समझ है। अब आप बताइए, जो आम हिंदू है, जो आम आप मजदूर को ले लीजिए, किसान को ले लीजिए जी, क्या इस सरकार की पॉलिसीज ने हिंदू होने के नाते उनके लिए महंगाई कम कर लिया, या हिंदू होने के नाते एक विधवा पेंशन को बढ़ाया, या हिंदू होने के नाते आंगनवाड़ी वर्करों को एक पैसा भी बढ़ाया, या हिंदू होने के नाते जो मजदूर आज बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं, जो कानून समाप्त हो रहे, क्या वो हिंदू मजदूर नहीं है, या जो उनके अधिकार एक नागरिक होने के नाते क्या ये हिंदू नहीं है? तो बहुमत हिंदुओं के ये हालात बन चुके हैं यहाँ, ये तो एक हकीकत है, इकोनॉमिक रियलिटी। दूसरी है कास्ट की जी। अब आप हाथरस की केस को अगर आप सिंबल के रूप में ले, जहाँ एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ जी, अपकास्ट ने किया, हम तो अपकास्ट या सब अपकाश के रूप में हम अपराधियों को देखते, ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हम नहीं मानते इसको जी। लेकिन जब आप कास्ट के रूप में उनका खड़े हो जाएंगे उनकी रक्षा के लिए, जो रेसलर्स है ये कौन है, ये हिंदू है या कौन सी है जी, ये महिला रेसलर्स क्या है? महिला रेसलर्स जो हरिद्वार गए क्योंकि वो उनकी आस्था है कि ये एक पवित्र स्थान है और यही हम अपने मेडल्स को दफनाएंगे, बिल्कुल, तो ये कौन सी रिलीजन की थी, और उनका जो सताने वाला है वो कौन सा रिलीजन का है, और वो कौन सा कास्ट का है? तो कास्ट सिस्टम के आधार पर, पॉलिटिक्स के आधार पर आप किसी का बचाव करेंगे, जैसे आपने हाथरस में उस दलित लड़की के साथ अपराधियों का साथ दिया, आज उसी प्रकार महिला रेसलर्स के साथ आप अपराधी के साथ खड़े हो रहे हैं, 4 महीने खुलेआम
दुनिया के सामने आप खड़े रहे उनको बचाने के लिए जी, आपने पूरी कानूनी प्रक्रिया का सत्यानाश करके आप एक पॉक्सो केस के 2 महीने लेट करके आपने दबाव डलवाया उस बच्चे के ऊपर, ये क्या है, ये कौन है जी? तो ये जो हिंदू समाज और हिंदुत्व के नाम पर जो यहाँ की पूरी पॉलिटिक्स चल के एक अघोषित इमरजेंसी लागू कर रहे हैं, ये केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये हिंदुत्व का मनुवादी सोच के आधार पर जी, वो पूरा आइडियोलॉजी को जिनको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको आज लग रहा है कि हमारे खिलाफ नहीं है, कल वो पाएंगे कि शायद उन पे निशाना आ गया है, और इसीलिए ये इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो कुछ समय के लिए था। नहीं, समय के लिए इसलिए था क्योंकि जनता का आक्रोश सामने आया है, इसलिए मजबूरी में वो इमरजेंसी का राज को खत्म करना पड़ा जी, क्योंकि वो एक वाटर ऐसे विस्फोट होता जी। लेकिन आज जो हो रहा है, ये जो डिवीजन है धर्म, जाति, सांप्रदाय, कम्युनिटी, एथनिसिटी, भाषा जी, ये जो डिविजन्स और बिगर डिविजन का राज नहीं हो सकता है ब्रिटिश जमाने के समय जी, और वो सब कुछ को मिलाकर ये दिखाई दे रहा है कि महात्मा गांधी की हत्यारा गोडसे को धरती पुत्र के रूप में मोदी जी के कैबिनेट की मिनिस्टर बयान देते हैं जी, उस पे भी प्रधानमंत्री चुप है, उनके पास बैठे हैं जो कहता है कि गोडसे इज अ सन ऑफ इंडिया। तो ये हालात आज है जो इमरजेंसी, जो 1975 की इमरजेंसी के खिलाफ हम लोग सब लड़े, लेकिन 2023 के घोषित इमरजेंसी के जो पहलू है वो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खतरा है, क्योंकि वो भारत को, भारत के ही कानून को इस्तेमाल और दुरुपयोग करके भारत का पूरा चरित्र के ऊपर एक हमला करके बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जो मनुवादी सोच और आधारित है उसके खिलाफ ये अनिवार्य है कि हर देशभक्त आज के दिन जो 26 जून की अगर हम सामने रखकर जी करते हैं, तो ये हर देशभक्त की ये जिम्मेदारी होती है कि इस राज के खिलाफ सिर्फ आवाज़ उठाए नहीं लेकिन सड़क पर उतर के बदलने का वो प्रयास कर, जो जेपी का उस समय नारा था, संपूर्ण क्रांति का, संपूर्ण क्रांति ने सिंहासन खाली करो कि जनता आती। वृंदा जी, आखिरी सवाल, एक फर्क और है, मतलब शायद हमें इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए कि जितने लोग ऑपोजिशन लीडर्स तब जेल में थे वैसा आज नहीं है। नहीं है, लेकिन जेल का खतरा ईडी, सीबीआई, आईटी को इस्तेमाल करके अभी मोदी जी के एलाइज, जो राजनीतिक एलाइज है वो तो कम होते ही जा रहे हैं जी, उनके पास, लेकिन जो एजेंसी के एलाइज है, जो सत्ता के एलाइज है, जो ईडी, आईटी, सीबीआई का जो एलाइज है, कोई भी बोले, कोई भी डिसेंट करे, कोई भी अपने विकल्प पेश करने का प्रयास करे, तो तुरंत वो 3 एजेंसीज मोदी जी की त्रिशूल, आईटी का मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, ये एकदम तैनात हो जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी चर्चा सीपीआईएम लीडर वृंदा कारत के साथ, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी और चर्चाएं देखिए इस विषय पे और दूसरे विषयों पे। बहुत शुक्रिया देखने के लिए।